वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है हमारा वो सेकंड व्लॉग है, आपको भी पता है। जैसे और गाइस, जैसे कि जो मेरे व्लॉग्स होंगे वो 9:30 को AM को आएंगे मेरे व्लॉग्स। और गाइस, जैसे कि मैं स्कूल भी जाना होता है मुझे, तो उस टाइम मैं व्लॉग्स नहीं आऊँगी। उससे मैं दो तीन बार मैं ना वो प्रैंक्स, चैलेंज, ये सब चीज़ें ले आऊँगी। सो गाइस, अभी मैं सबसे पहले नहाकर आपसे मिलती हूँ। वाह, अभी ना मैं नहाने चाह रही थी तो मम्मी ने बोला कि पहले रंगोली लगा दे, है ना। है तो मैं आपको दिखा देती हूँ रंगोली, मेरी वो रंगोली जो मुझे लगानी है यहाँ पर। तो आ जाइए, हम इसे लगाते हैं पहले। तो इधर को मैं कुछ इस साइड से मैं, तो आइए अब हम इसे लगाएंगे। पता तो चल रहा होगा ना मैं हूँ यहाँ पे, ऐसे ऐसे लगाऊंगी इसे। तो आइए लगाते हैं। देखो, मतलब इसकी एक ट्रिक पता है सबसे अच्छी, तो इसको उल्टा करना है आपको, और ये वाले जो साइड होगी ना इसके अपोजिट में ऐसे ऐसे खींचना है। मैं आपको दिखाते हैं, खींचने से क्या होगा, थोड़ा टेढ़ा तो होगा, मगर जो ये होगा ना, ये देखिए पता थोड़ा सा हो गया है गैप, जिससे मैं ये मैंने की सीजना हो चुकी है और ये मिल चुका है फाटी। कल से तो मंदिर में लगाएंगे, मगर मंदिर में फिर वो लगाना पड़ा ना, इसलिए मैं लगाएंगे तो इससे छिपका देते हैं इस साइड। गाइस, अभी हूँ मैं जो रेडी हो चुकी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, अभी मैं हूँ जो रेडी हो चुकी हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये मैंने एक नई हेयर स्टाइल बनाई है, जैसे आप देख सकते हो। इस हेयर स्टाइल में मैंने क्या करा है कि ऐसे, मतलब पहले तो मैंने फ्रेंच ले लिया, थोड़े से बाल लेके उन्हें रबड़ बैंड कर दिया, सेकंड में भी ऐसे करो, और सारे बाल लेके मैंने एक पोनीटेल बांध दी। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये हेयर मेरी, मैं और मेरी मम्मी जा रही है दिवाली में मिलने से, होता है कि दिवाली में जाते हैं, मिठाई लाते हैं, एक दूसरे के घर में देते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बस वही करने जा रहे हैं। मैं अपनी ताई के आ जाएंगे और अपनी दादी औरों के आ जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे उसके बाद। अभी मैं ये जो रोटी है ना गाय को देकर आती हूँ, चलिए आप भी चलिए मेरे साथ। रोटी देने जा रहे हैं और बहुत दूर है। ये देखिएगा इस कितना गंदा हो रहा है, सबने पटाखे जलाए ना, देखो कहाँ हर जगह पे इतनी साफ होकर जाएगा। हमने तो मतलब एक साइड क्यों से भी जलाते। तो ये है कुछ, मैंने रैपर फेंक दिया। एलिए एलिए एलिए, तो हम यहाँ पर रखते हैं। ये ले छोटी गाय, ए छोटी गाय, ये ले एक गाय बोली। मैंने गाय तीन थी, उन तीनों को दे दी, अंदर वाली को नहीं दे पाई मैं। सो गाइस, अभी हमने गाय को रोटी दे दी और अभी हम जा रहे हैं। मुझे पता, हमें पता बहुत दूर जाना है, दिखाती हूँ। देख रहे हो, हमें पटरी पार करनी होगी। ये मेरी मम्मी जा रही है आगे, क्योंकि मैं ना गई थी तो मैं ऐसे मतलब फिर ना कर नहीं पाई, तो मैं तो आगे होती, अभी मम्मा इधर होती, मैं उधर होती। तो मैंने आपको मतलब जब पहुँचने वाले होंगे तब दिखा दूँगी थोड़ा, ठीक है, बाय अभी के लिए। सो गाइस, अभी हमने ऐसे पटरी पार करने जा रहे हैं और यहाँ पर पूरा जंगल है, यहाँ पर सांप सूप जब आते रहते हैं। मैंने एक सांप देखा था यहाँ पर मरा हुआ था, इधर ही एक साइड में था कहीं मरा हुआ। और ये हमारी पटरी है, यहाँ पर बहुत पत्थर है, मम्मी में तो खिंचाएंगे। थी ज़्यादा धूप हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं दिख भी रही होंगी आपको ठीक से। मैं भी ना अपनी ताई के यहाँ से आई हूँ, मम्मी ने बोला दादी के यहाँ थोड़ी देर बाद जाएंगे, और अभी ऐसे के ग्रहण पड़ने वाले हैं, अभी मतलब ग्रहण पड़ने वाले हैं आधे घंटे में। तो फिर मम्मी ने बोला जो खाना है खा लो पेड़ भर के, तो अभी तो मैं मैगी लेने जा रही हूँ। चलो आइए चलते हैं। आंटी मैगी दे दो, यूपी है दोनों दे दीजिए। सो गाइस, अभी हम मैगी लेकर आ गए हैं, अभी से बनाएंगे, है ना, मैगी और यूपी दोनों मिक्स बनाऊंगी, देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। अगर गंदा टेस्ट हुआ ना बस मैं खाऊंगी भी नहीं, तो देखते हैं। तो गाइस, मैंने अभी आप इसमें पानी भर दिया और अभी हम यूपी और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। हम इसकी अनबॉक्सिंग गाइस कर चुके हैं, ये रही हमारी।
है तो फर्क तो मेरे को ना बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ना मेरे को लग रही है यूपी मैगी होती है बिल्कुल। और यूपी मैगी में थोड़ा पानी रखते ही हैं तो हम इसमें ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत देर से उबल रही है, ये पानी भी कम हो गया है इसमें, जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। यूपी दो पैकेट लिए हमने, यूपी बनाई, जबकि हमने मैगी भी दोनों मिक्स करी है, देखते हैं क्या टेस्ट होता है। सो गाइस ये तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कि मगर हम इसे बर्बाद नहीं करेंगे, मैं इसे पूरा खा जाऊँगी क्योंकि मेरे को मैगी बहुत पसंद है, दो पैकेट खाई जाती हूँ आराम से। चलिए इसमें सबसे पहले पानी देते हैं, पानी इसमें नहीं अपने प्यारे गिलास में भरेंगे। ये पता है मेरे बहुत ज़्यादा दिमाग में आता है कि चलो भाई मैगी और यूपी को एक साथ मिक्स करते हैं और देखते हैं कैसी बनेगी, तो आज हमने कर लिया, तो चलो अब हम इसे ले चलते हैं ऊपर। सो वैसे ले स्टार्ट करते हैं इसे खाना, बहुत ही ज़्यादा है लिटरली, मैं आपको कैसे करके दिखाऊंगी, आपने इसे देख तो लिए, चलिए खाते हैं। मुझे डर लग रहा है, कोई भी मतलब वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैसा, नॉर्मल ही है। वैसे आटा मैगी होती है, आटा मैगी खाई होगी तो बिल्कुल वैसी है, क्योंकि मैंने एक बार गांव में खाई थी ना, आटा मैगी मिलती थी वहाँ पे सिर्फ, तो बहुत आटा मैगी जैसी लग रही है और बहुत मतलब सही भी लग रही है ना, आटा मैगी से भी थोड़ी अच्छी लग रही है। आप लोग चाहते हो उसे ट्राई भी कर सकते हो, मगर हाँ पेरेंट्स के यहाँ हूँ तब करना, ठीक है। बाय बाय, मैं इसे खा के आपसे मिलती हूँ। अभी मैं अपनी दादी के घर पर आ गई हूँ और अभी हम जा रहे हैं पटाखे चलाने, तो चलो मैं चाची को बोलती हूँ चाची पटाखे लाओ, चलो चलते हैं। तो मैंने अभी चाची को मना लिया और अभी चाची जा रही हैं पटाखे लेने, हैं ना चाची? हैं और रंगोली किसने बनाई है? ये देखिए गाइस चाची ने रंगोली बनाई है, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सारी, पूरे टोटल चार बनाई है, चार रंगोली बनाई है। अच्छा तो चाची आ गई हैं, चलो ठीक है, थैंक यू। तो कुछ ये रही एक मोमबत्ती, एक ये अच्छा मिल गई, ख़त्म हो गई थी सब, ये बची तो हम ले आए, चलो चलते हैं इसे जलाने। नहीं मैंने अभी पटाखे चलाए और गाइस अभी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ अगर थोड़ी सी भी हंसी या फिर कहीं पर भी मज़ा आया और आपको कहीं पर भी आपकी मुस्कान आई हो, प्लीज़ 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 लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।